और देखना घर्षण होगा, कभी पीस हो ही नहीं सकता है। तो जो भी माहौल है, जो भी रिलेशन को आप तोड़ नहीं सकते हो, जिस रिलेशन से आप दूर नहीं जा सकते हो, तो वहां तो आपको पीस, आपको ये घर्षण को कहीं ना किसी न किसी तरह से बंद करना ही होगा। लेकिन ये सिर्फ आपको पता होगा कि कौन सी चीज है, उसको नहीं, वो बदले वो नहीं, मैं कैसे अपने आप को बदल सकती हूँ जिससे ये जो घर्षण हो रहा है वो कम हो जाए। तो ये क्या, हाँ मौन कर ले, है ना, ज्यादा नहीं बोले मौन। देखो एक बात भी मैं बता देती हूँ, अगर मैं रास्ते पर जा रही हूँ और किसी की औरत को पांच पुरुष मार रहे हैं, सो क्या मेरा मौन रहना ठीक होगा? तो यहाँ पर भी इसको हम क्या कहेंगे, विवेक बुद्धि। विवेक बुद्धि का मतलब क्या हुआ कि मुझे देखना है कि अब जैसे ओशो ने बोला एकदम धीरे 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 चलो, ऐसा ओशो ने बोला है, ठीक है ना, एक एक कदम को देखते हुए। अब मैं स्टेशन पर हूँ और मेरी ट्रेन भागे जा रही है, और अगर मैं ऐसे धीरे धीरे चलूंगी तो मेरी ट्रेन चली जाएगी, तो उस वक्त मुझे धीरे चलना है नहीं। तो कई बातें जो मास्टर्स बोलते हैं वो आपकी सोच में लाने का है। जैसे जब ओशो ने धीरे बोला तो मतलब आपकी सोच को हल्का करो, धीरा करो। याद रखना जब सोच धीरी हो, धीमी हो गई, जब यहाँ अगर खाली हो गया तो आप ज्यादा स्पीड से जिंदगी आगे बढ़ सकते। ये दिखता विरोधाभास है लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट है। जितने आप शांत होंगे उतनी आपकी प्रगति, उतनी आपकी स्पीड जीवन में ज्यादा हो जाएगी, है ना, विरोधाभास पर फिर भी कॉम्प्लीमेंट्री। मोस्ट ऑफ द पीपल जो हमारी जिंदगी में हमारे सामने है ना, वो हमको कुछ सिखाने के लिए है, प्लस हमें हमारी पावर्स दिन ब दिन, जैसे मेरे बेटे के साथ मेरा रिलेशन ठीक करने ठीक कर देती हूँ, मैं देख रही हूँ कि मुझे अपने पावर में ज्यादा कॉन्फिडेंस, ज्यादा मुकम्मल यकीन मेरा बढ़ता जा रहा है। वो सीखे ना सीखे, कमजोर होए और पावरफुल होए, शांत होए, वो उसका है। मैं आप सबको वापस बोलती हूँ, स्वार्थी बन जाओ, सिर्फ खुद का देखो। अगर खुद पर काम किया ना, बाकी सब अपने आप होना है। आप कृष्ण बन जाओ तो कौरव भी आपके पास आएंगे, पांडव भी आपके पास आएंगे, दोनों, और ये दोनों से कोई बच नहीं सकता, है ना। और ये बदलता भी रहे, आपकी मदर इन लॉ कभी कौरव बन जाएगी, कभी पांडव बन जाएगी, कभी देखना एक मिनट के लिए कृष्ण। वैसे तो बहुत अच्छी है, और बुरी हो तो भी क्या बात है, कई लोग। हाँ लेकिन ये हेल्पफुल है, सी बस अब है ना, आप इस पर फोकस रखो, बहुत हेल्पफुल है, बहुत अच्छा है, इस पर वो बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, फैंटास्टिक। यस माधुरी, या ये मुझे याद दिलाना रानू, मुझे बुराई के ऊपर, ईविल के ऊपर अभी बोलने का है, ठीक है। हाँ माधुरी, हाँ नमस्ते माँ, मुझे मैंने आपसे पूछा था, ये मेरे लेफ्ट हैंड के ना यहाँ पे फिर भी पेन हो रहा है, ये नाखून के साइड में, अभी भी वो गया नहीं है। हमारा जो अंगूठा और पैर का भी जो थंब जिसको हम बोलते हैं ना, ये ज्यादातर है ना हमारा अहंकार का प्रतीक। अच्छा हाँ, तो कभी कभी हमारे अहंकार को चोट लगेगी या अहंकार बढ़ेगा तो वहाँ मार पड़ती है, हमें होश में लाने के लिए थोड़ा देख लो। अभी एक सिचुएशन आई थी ऐसे कि एक ने थोड़ा मुझे कुछ अलग अलग ही बोला, लेकिन मैंने इतना कूलली उसका आंसर दिया ना कि वो गायब ही हो गया। ये और आज मुझे ये पूछना था कि आज मैंने फुल खाना खाया अच्छे से प्रॉपरली, नाश्ता चाय भी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत वीकनेस लग रहा था, ये मतलब थोड़ा अनकॉमन लगा। ये वीकनेस नहीं है, ये भी कंप्लेन मुझे आई है कई लोगों की, ये वीकनेस, जिसको आप वीकनेस वर्ड बोल रहे हो ना, हाँ उसको मैं डीप रिलैक्सेशन, वापस बोलूं तो बहुत ध्यान से सुनो, जिसको भाई ऐसे साधकों की बात कर और अभी के समय में जिसको आप वीकनेस बोल रहे हो वो डीप रिलैक्सेशन है। क्यों? जैसे अभी आपने बोला कि इस तरह से अहंकार का हुआ और वो भाग गया, तो क्या हुआ, जो अहंकार है हाँ वो डिसॉल्व हुआ। अब वो जब डिसॉल्व होता है ना,
देखो अहंकार भी दो के बीच में ही होता है ना, एक के बीच में होता है, दो के बीच में ही होता है। तो जब अहंकार डिसॉल्व होता है बहुत रिलैक्सेशन होती है, आपको पता है। इसको भी हम कभी कभी वीकनेस समझ लें, पर ये डीप रिलैक्सेशन, ये वीकनेस नहीं। ये कई लोगों ने मुझे कमेंट, आजकल मुझे बहुत वीकनेस लग रही है ना, ये वीकनेस नहीं है, ये डीप रिलैक्सेशन। ऐसे मौकों पर आराम जरूर करें, लेकिन सोचना चालू रखें कौन सी बात पर, या यू नो जिसको हम चिंतन मनन जो कहते हैं ना, स्व अध्याय, वो ऐसे वक्त पे आप चालू रखें। और अगर फिर भी ऐसा लग, और खास करके मैं सबको बोलती हूँ, देसी घी काओ का हलवा जरूर खाए, बादाम काजू डाल कर। ये तो आपको फायदा हुआ था ना, सुन लो, मैंने उसको एक बार बोला, उसने भी मुझे ऐसा ही बोला था। ये थकान नहीं है, ये डीप, अच्छा दूसरा, ये डीप डिसॉल्विंग है। डिसॉल्व होना पता है ना, उसका गुजरा हिंदी वर्ड मुझे नहीं पता, पर हम डिसॉल्व हो रहे हैं। तभी भी आपको लगता है कि हम वीक हैं। वंदिता, मुझे लगता है ये नंदिता का लैपटॉप है ना, इसी आज खूबसूरत लग रही। और कोई, हाँ ईवल के बारे में, ज्योति चौहान का वीडियो क्यों बंद है, रानू जरा देख लीजिएगा। ईविल मतलब इसका, ईविल का हिंदी क्या है, आसुरी नहीं, ईविल का हिंदी वर्ड कोई जल्दी बताइए। अरे ठीक है, हम जनरली मास्टर्स भी कहते हैं, जनरली लोग की भी कहते हैं, बुराई से दूर रहो, हाँ जो आसुरी शक्ति है उससे दूर रहो। मैं कहती हूँ उसको बुराई नहीं, बुराई जिसको भी आप बुरा मानते हो ना, या आसुरी, उसको देखो जरूर, उसका ऑपरेशन करो, उससे भागो मत। देखो मैट्रिक्स में, या तो इस लीला में, या तो इस माया में द्वेत है ना, व्हाइट एंड ब्लैक, गुड एंड बैड, इधर है ही है ना, दिमाग के परे नहीं, दिमाग के परे एक है, लेकिन जहां माया आई लीला आई मतलब दो है। अब अगर आपने नकारात्मक ऊर्जा, अगर आपने एक को ही जाना, दैट इज अच्छाई को ही, जानने निकले हो आप, सत्य को जानने निकले हो ना,
अब तो परमात्मा को जानने निकले हो ना, तो परमात्मा का जो बॉल है, तो जो आसुरी शक्ति है या जो नरक वाले हैं, वो भी तो उसी बॉल के अंदर ही है ना। अगर आप जयपुर में रहते हो तो क्या जयपुर में रहने वाले दूसरे इंसानों की असर आपको नहीं हो रही है आपके जीवन पर? हो रही है कि नहीं हो रही? ऑफकोर्स हो रही है। तो उसी तरह से जिसकी असर जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा है, जो तुम्हारे परम सत्य का हिस्सा है, उसको नहीं जानोगे, उसके साथ रहना आपको आएगा नहीं, तो आप जागृत कैसे होने वाले? आधा हिस्सा आपका जागृत होगा, अच्छाई वाला, बुराई वाले को तो तुम जानोगे ही नहीं। और ये अच्छाई बुराई का अगर इंग्लिश में आपको साइंटिफिक वर्ड भी दू ना, तो याद रखेगा उसका नाम है नेगेटिव और पॉजिटिव। और आपको पता है कि स्त्री तत्व जो है ना, उसको इंग्लिश में नेगेटिव चार्ज बोला गया है, पुरुष को पॉजिटिव चार्ज बोला गया। तब तो फिर हम ही उसी में आ गए, नकारात्मक। इसलिए जब भी आप ये वर्ड सुनो ना, अच्छा बुरा नेगेटिव, प्लीज पहले उसको स्टडी कीजिएगा, लिखिएगा, सब स्टडी करिए। ये आसुरी शक्ति है क्या? क्या आप असुरों से अलग हो क्या? क्या आसुरिक शक्ति अगर बाहर है तो आपके भीतर नहीं है क्या? अगर आपके भीतर नहीं है तो क्या उसकी असर आप में नहीं है क्या? ये सब देखना अपनी सोच में, अपनी ये सब सोच में है और कुछ नहीं। तो आप अपनी सोच को देखना, आप कितने भी सती सावित्री पवित्र गंगा माँ की तरह होंगे, लेकिन क्या 24 घंटे में एक बार भी नकारात्मक सोच नहीं आ रही आप? और याद रखेगा, जिसको हम नकारात्मक कहते हैं ना, उसका भी बहुत बड़ा फायदा है, जहां उसका उपयोग करना है वहां करना ही है, जहां चांटा लगाना है वहां लगाना ही है। अब जनरली बोलेंगे चांटा लगाना तो बुरी बात है, लेकिन नो, बुरी बात एक ही है, वापस मैं कहती हूँ जो जीसस ने बोला था, कुछ सत्य को भी समझाने, एक ही बात कि आप अपने आप से ऑनेस्ट नहीं, अपने आप से सच्चे नहीं। मुझे अभी मूवी देखने जाना है, जाना है, जाना है, लेकिन मेरे आजू बाजू के सब लोग कहते नहीं, मेरे साथ भजन कीर्तन करने चल, मेरे साथ भजन कीर्तन कर। तो मैं अपने खिलाफ जब जाती, मेरे खिलाफ, बस वो एक ही बहुत बड़ा पाप और वो एक ही गलत बात, बाकी कोई नहीं। मैं कहती हूँ बिंदास, मैं हर गुरुवार को पिक्चर देखने जाती, महीने में हर, भले मैं पिज्जा के खिलाफ होंगी पर महीने में एक बार जरूर खाती। हाँ, अपने आप कुछ मेरा पता नहीं क्या हो गया, जबलपुर से आई तो मेरी चाय अपने आप बंद हो, अपने आप कुछ हो जाता है, वो एकदम पक्का और एकदम सही है। तो एक तो दूसरा यहाँ पर ये इवल की बात हुई, और एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, जिसको भी लगता है ना कि आप कुछ कर रहे हो, जिसको भी, हाँ, ये बहुत बड़ा भ्रम, ये मैं भी कुछ नहीं कर रही, मैं ये सेशन में भी बैठती हूँ ना, मुझे नहीं पता होता मेरे मुंह से क्या निकलने वाला, बस मैं बैठती हूँ आपको देखती हूँ, फिर उसमें जो भी निकलता है निकलता है। दैट मींस क्या, मैं सिर्फ यहाँ एक भोंपू की तरह बैठी, एक माइक्रोफोन की तरह, और क्योंकि मैं शांत हूँ, क्योंकि मैं खाली हूँ ना, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी बोलने की इस मोमेंट में आप सबको सुनने की जरूरत है ना, वो मेरे मुंह से निकलेगा। कई बार आप लोग पूछते हो मुझे, माँ आपको कैसे पता चल जाता है कि ये मेरा सवाल था, मैं मेरे पास जो प्रश्न होते हैं उसी का जवाब आप मेरे पूछे बिना पहले ही दे देते हो, क्योंकि मैं बिल्कुल खाली हूँ। जैसे ही यहाँ बैठती हूँ ना, आप सबका दिमाग मेरे दिमाग में आ जाता है अपने आप, और फिर वो चीज बोलना शुरू हो जाती है। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, सिर्फ शांत होइए। दूसरी बार जब एकदम आप अग्रेसिव हो जाते हो ना, दुखी हो जाते हो, गुस्सा, ये बात को आप जरूर गौर करिएगा, 5-10 मिनट के लिए शांत हो जाए, फिर देखो आपके दिमाग में क्या आता है। और जैसे ही शांत हो गए होंगे ना, सामने भी झगड़ा भी, जिसके साथ उसकी जो कमजोरी है, जिस वजह से वो झगड़ा कर रहा है ना, वो आपको पता चल जाए, तो सोचो फिर तो आप जीत गए ना। जब पता ही चल गया कि उसको पेट में दर्द कहाँ पर है या किस बात से वो अभी डरा हुआ है, देखो जब एनलाइटन व्यक्ति या अवतार, जैसे परशुराम का गुस्सा, वो अलग बात है, वो न्याय के लिए है, यूनिवर्सल न्याय, जस्टिस के लिए है, है ना। लेकिन जिसने सत्य को नहीं जाना, जो जागरूक नहीं हुआ, उसका गुस्सा कहीं ना कहीं पेट में दर्द, कहीं ना कहीं डर है, कहीं ना कहीं कमजोरी, ये बात जरूर जान लीजिए, ठीक है ना। तो आंखें बंद करें थोड़ी देर, इस बात को, इतनी बातों को बचाएं, हम फिर वापस बात करेंगे, है ना। रानू म्यूजिक है।
किसके पास कोई प्रश्न है क्या? किसी का एड्रेस था शायद? हाँ, बोलिए। म्यूजिक है मैम, म्यूजिक है। हाँ म्यूजिक तो है, पर किसी के पास कोई प्रश्न है शायद? किसी का हाथ रेस था? नहीं। ठीक है ठीक है, प्लीज आंखें बंद कीजिए, योनि लॉक कीजिए और यस रानू, मुझे एक सिर्फ पुरुषों का सेशन करना है। संडे जो भी आप, कल नहीं, एकदम प्लानिंग करके करते हैं नेक्स्ट, है ना? अरे वाह, सूरज संगीत है आज। आंखें बंद, उंगलियां एक दूसरे के अंदर, योनि को जरूर लॉक कीजिए, जिसको नहीं पता वो पूछ सकती है। कोई प्रश्न हो मुझे चैट बॉक्स में रख दीजिएगा, मुझे और
जो ध्यान से बाहर नहीं आना चाहे वो बैठे रहे, बाकी धीरे से हाथों को खोलकर बंद आंखों के ऊपर रखें। किसी को भी आज के ध्यान की अनुभूति या कोई प्रश्न हो तो प्लीज रेज हैंड करिए। उषा जी कुछ बोलिए। उषा जी आप अनम्यूट करो। अनम्यूट करो। कुछ नहीं बोलना। अनम्यूटिंग आस्टोन माँ प्रणाम। अच्छा रहा। हाँ मैं माँ के पास आई हुई हूँ। अच्छा अच्छा वो माँ है, वो भाभी है, माँ तो सो रहे है। ओके ओके वेरी गुड। माँ को ध्यान में नींद आ गई। वो भी बहुत अच्छी बात है, आजकल नींद कहाँ आती है लोगों को। इनको तो ध्यान में फटाक से नींद आती है। और किसके पास कोई प्रश्न है या अनुभूति के बारे में कुछ बताना चाहते हो? कोई नहीं। आप लोग ध्यान क्यों कर रहे हो ये पता है ना सब? एक ही चीज के लिए करना, परम सत्य परमात्मा को जानने के लिए। और कोई कारण होगा ना तो आपको इस मार्ग से हटा देगा, ये बात याद रखिएगा। और अगर ये एक ही कारण को पकड़ के रहे ना, हजारों कारण आएंगे आपको इधर से हटाने के लिए, आप हटोगे नहीं। मैं इसी में जी हूँ पूरी। ये एक ही लक्ष्य, एक ही इच्छा, जब तक परमात्मा, अब फिर परमात्मा को मैं बाप गिनूं, माँ गिनूं, बच्चा गिनूं, जो भी, या परम सत्य का नाम दूं, जो नाम देना चाहूं, परम शांति का नाम दे दूं, सब कुछ होने के बावजूद कुछ नहीं नाम दे दूं, यू नो, सब एक ही है। बस उस कारण को आप पकड़ लो। सच यकीन मानिए, इसी की वजह से आपका जीवन एकदम अद्भुत, और छोटी छोटी बातों में भी आपको परम सत्य या मिरेकल जिसको हम कहते हैं, अद्भुत आनंद जिसको कहते हैं, वो मिलना शुरू। मैं तो सब्जी भी काटती हूँ ना, पता नहीं मुझे उसमें शिवलिंग दिख जाता है, मुझे जाता है, मुझे उसमें वो दिख जाता है, फिर नंबर गेम दिख जाता है। ऐसा छोटी छोटी बातों में भी वैसा आपको दिखना बहुत जरूरी है ना। देखो वापस ये चीज मैं रिपीट करती हूँ, ब्रह्मा अपने आप में परमात्मा नहीं है, विष्णु अपने आप में परमात्मा नहीं है, शंकर महादेव जिसको हम कहते हैं वो अपने आप में परमात्मा नहीं है, ठीक है। लेकिन जब तीनों तीनों एक्टिवेट हो जाते हैं किसी इंसान में, ये तीनों ब्रह्मा विष्णु और महेश, ना, क्रिएशन प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन, मतलब नष्ट करना, सर्जन करना और फिर उस सर्जन की संभाल लेना, जब ये तीनों किसी भी इंसान में एक्टिवेट हो जाता है, उसको आ जाता है करना, तो एक चौथी अवस्था पैदा होती है, फोर्थ, जिसको गुरजेव करके एक बहुत बड़े मास्टर हो चुके, उन्होंने इसको फोर्थ वे बोला था। तो वो चौथी अवस्था जो है वो परमात्मा की, सिर्फ विष्णु को जाना तो भी चूक जाओगे, सिर्फ ब्रह्मा को जाना तो भी चूक जाओगे, सिर्फ महादेव को जाना तो भी आप चूक जाओगे। तीनों का जगना आपके भीतर, और उसके बाद एक चौथी अवस्था जो खड़ी होती है वो है परमात्मा की अवस्था।
है ना, तो ये याद रखें।